दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है फूलपरी के जादुई फूल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। फूलपुर गांव में तीन भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। दीदी, चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं, ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ, सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं, और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाती हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई, फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था।
युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा देखो तो कितना खूबसूरत फूल है, मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो तो चले गए, पर हुआ क्या मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है, माँ जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवा कर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना, आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है, हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप, बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए परी जी। हरगिज़ नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था, उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए, राजकुमार दिल के बुरे नहीं है परी जी। ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।